हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्राइव विद सिद्धांत चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको मॉनसून के रिगार्डिंग कुछ टिप्स दूंगा ताकि आप अपनी कार का अच्छे से ख्याल रख सकें मॉनसून में। और बेसिकली वैसे तो हमेशा अपनी कार का आपको ध्यान रखना चाहिए, बट ये एक ऐसा टाइम आता है जहां विजिबिलिटी और आपको एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हमेशा कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि अगर मैं आपसे एक बेसिक बोलूंगा कि सबसे पहला क्या करना चाहिए, तो वाइपर्स सबके दिमाग में आता है कि वाइपर्स हमारे अच्छे होने चाहिए। तो डेफिनेटली हाँ, वाइपर्स आपके एकदम सही फंक्शनल होने चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके वाइपर सही या तो प्रॉपरली साफ नहीं कर रहे हैं, मतलब आपने वाइपर चलाया, वो एक बार उसको क्लीन किया लेकिन स्टिल पानी रह गया, या वो पूरी प्रॉपरली उसको क्लीन नहीं कर रहा है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड चीज, अगर आपके जैसे 10-12 महीने 14 महीने हो चुके हैं आपके वाइपर को, तो मैं तो ये कहूंगा कि 300 रुपए के 400 रुपए के पड़ते हैं उसके ब्लेड्स, आप उसको चेंज करा लीजिए। या आपने अगर उसको अच्छे से केयर टेक करी है तो बस इतना ध्यान रखिए कि वो फुल कवर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ पार्ट जो आपका विंडशील्ड का उसको कवर कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि यूज जब हम नहीं कर रहे हैं तब ओके है, लेकिन अगर वो वाइपर खराब हो गए या उसके ब्लेड्स मुड़ गए तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको विंडशील्ड पे निशान बना दे। तो उस सबसे बचने के लिए सबसे बेटर है कि आप अपने वाइपर्स को सही मतलब कंडीशन में रखिए, नए यूज कर लीजिए। सेकंड चीज फ्रेंड, मैं एक छोटा सा क्लिप प्ले कर रहा हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि हम जब कार चलाते हैं बारिश में, बाई चांस उस टाइम पे मैंने कोशिश करी थी कि मैं इको स्पोर्ट में ही आपको ये दिखाऊं क्योंकि उसमें मैं सब चीज अच्छे से बता सकता हूं, लेकिन मैं अपनी दूसरी कार से कहीं जा रहा था और मेरे को बाई चांस बारिश स्टार्ट हुई तो मेरे दिमाग में आया मेरे को ये वीडियो बनाना चाहिए, और मैंने वो एक वीडियो उस टाइम पे शूट किया है। तो मैं आपको वो छोटा सा वीडियो इसको देखिए। फ्रेंड, जैसा कि हम मॉनसून सीजन आ गया है, आपको अपनी कार में 2-3 चीजें करा के रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान दीजिए कि आपके वाइपर के ब्लेड्स अगर सही हैं या नहीं है, आप एक बार चेक भी करा सकते हैं, वरना खुद भी पानी डाल के देख सकते हैं कि वो साफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथ में अपने हमेशा मतलब आदत बना लीजिए कि अपने साइड व्यू मिरर्स को क्लीन रखिए। जैसे मेरी इस कार में मेरे बैक मिरर पे कोई वाइपर नहीं है, तो कोशिश कर सकते हो कि एक बारी साफ कर लो, क्योंकि बारिश में डेफिनेटली वो गंदा होगा और तब आपको कम दिखाई देगा। तो मतलब हमें कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने होते हैं मॉनसून सीजन में स्पेशली, जैसे कि हमें अपनी एक तो स्पीड लिमिट, अगर आप यूजुअली 60+ चलते हो तो आप उसको 20 तो एटलीस्ट डिक्रीज कर दीजिए, आप 40 पे आ जाइए उसको लेके। और हमेशा जो ओवरटेक कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो बारिश में थोड़ा तेज चलने की कोशिश करते हैं, वो एक्साइटेड हो रखे होते हैं बारिश की वजह से, तो उनसे थोड़ा बच के रहिए क्योंकि वो लोग नहीं समझते हैं कि सडन ब्रेकिंग नहीं काम करेगी बारिश में। और मैं तो कहूंगा जितना ज्यादा हो यूज वैसे भी करना चाहिए इंडिकेटर का, लेकिन बारिश में खासकर अपने इंडिकेटर्स को बहुत ध्यान से यूज करिए। हमेशा दूसरी कार से एक प्रॉपर मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, क्योंकि बारिश में जो ब्रेक्स होते हैं वो थोड़ा सा कम एफिशिएंट हो जाते हैं, मतलब आपकी जो ग्रिपिंग होती है टायर की वो कम हो जाती है, तो आप ये सोचेंगे कि मैं बहुत इजीली ब्रेक मार लूंगा, वो कभी कभार नहीं होता है, कार कभी कभार स्लिप भी करती है, स्किड करेगी, आपको ब्रेक लगाने में दिक्कत हो सकती है। तो डेफिनेटली हमेशा दूसरी कार से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखिए। देखिए, मैं जैसे इस टाइम पे एक अच्छी खासी रोड पे चल रहा हूँ जिसमें मैं यूजुअली 80 पे भी ट्रेवल करता हूँ, उस पर मैं लेकिन इस टाइम पे 60 की स्पीड पे चला रहा हूँ, और मैंने अपनी आगे वाली कार से बहुत डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है ताकि मेरे को अगर कभी इमरजेंसी ब्रेक भी लेना पड़े तो मैं बहुत इजीली रोक सकूँ। और खासकर अगर जैसे किसी किसी फ्रेंड्स को दिक्कत आती है कि शीशे पे आगे थोड़ा सा धुंध सी आने लग जाती है, कहते हैं कोई भाप आ गई है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे मिरर वाला जो ये वाला दिया होता है नीचे, जो ऊपर शीशे पे भाप जाने वाला होता है, उस पर आप कर दीजिए, और अपना जो एयर है, जो आपका ब्लोअर है या आपका एसी की स्पीड है, उसको फुल कर दीजिए। मतलब मैं तो कहूंगा कि फुली कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी हटा देगा उससे वो धुंध। और अगर किसी के विंड जो हम डोर पे लगते हैं, डोर वाइजर्स होते हैं विंडो पे, अगर वो हैं तो मैं तो कहूंगा कि बहुत थोड़ा सा वो भी खोल लीजिए ताकि आपको ये दिक्कत आएगी नहीं, आपको ये सब चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमेशा थोड़ा सा मतलब उन जगहों को अवॉइड करिए जहाँ पे पानी ब्लॉकेज हो रखा है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि डे टू डे लाइफ में वहाँ पे कोई गड्ढा है बड़ा या आपको कोई दिक्कत आया, आप पता लगा उसमें निकालो और आपको उसमें गड्ढे में पानी की जगह पे पता लगा गाड़ी का टायर ही धंस गया है। तो इन चीज़ों से हमेशा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और बाकी जो वेयर एंड टेयर हैं आपको अपनी कार के, वो देख के रखने पड़ेंगे। पानी की कोई ऐसी जगह है जहाँ से आपको लगता है पुरानी कार है आपकी, आपको लगता है पानी आ सकता है अंदर, या फिर आपकी बैटरी को कुछ इश्यू हो सकता है, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा एक बार चेक करा लीजिए। और बाकी अपने टायर को मेंटेन रखिए, क्योंकि बारिश के टाइम पे मोस्टली कार स्किड होने का डर रहता है, तो अगर किसी के बहुत पुराने टायर है जो नॉर्मल डेज में चल भी रहे हैं तो हो सकता है बारिश में आपको थोड़ा दिक्कत दे। और देखिए, ऐसे ही होता है बारिश का मौसम, मैं आपसे बात कर रहा था कितनी बारिश हो रही थी और 2 मिनट में सब क्लियर हो गया, तो
हमेशा ध्यान रखिए अपना ट्रेवल करते हुए, और बाकी के जो चीज़ें होती हैं जो मानसून में आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको वैसे बता दूंगा। तो फ्रेंड्स देखा आपने कैसे मतलब हमें एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी चाहिए, और आपने बीच में एक देखा भी कि क्रेटा वाला काफी तेजी से गाड़ी लेफ्ट राइट कर रहा है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए। उसके अलावा फ्रेंड जो मैं बोल रहा था कि एक तो हमें फ्रंट मिरर पे मतलब जो हमारा विंडशील्ड है उस पे काफी लोगों को दिक्कत होती है कि हमें विजिबिलिटी क्लियर नहीं आ रही, आगे फॉक्स या मॉइस्चर जम रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि हर कार में चाहे वो मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक हो सबके में एक ऑप्शन आता है कि आप उसको जो आपका यहाँ पे जैसे अगर मैं आपको अभी फोटो में दिखा दूंगा या मैं नीचे एक उस पे वो डाल दूंगा, सारी कार्स में चाहे वो जिसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है चाहे वो मैनुअल है सब में एक ऑप्शन आता है ताकि आप अपना एयर फ्लो चेंज कर सके, या तो आप पैरों पे करना चाहते हैं आप अपने फेस पे या फिर आप विंडशील्ड पे, तो जो विंडशील्ड वाला होता है आप उसको कूल पे करके फुल स्पीड पे आप कर दीजिए, आपकी वो जो भाप या जो अभी आप उसको मॉइस्चर कह रहे हैं वो आपका हट जाएगा। जैसे मेरी कार में यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बाहर विंडो पे वाइजर लगे हुए हैं, तो अगर मैं देखिए आपको इसको दिखाता हूँ एक सेकंड के लिए, मैं कभी कभार इतना सा नीचे कर लेता हूँ ताकि मेरी कार के अंदर भी पानी नहीं आता है और मेरे को यहाँ से एयर भी बनी रहती है, तो ये भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर बहुत स्लो बारिश है आप इवन इतना भी नीचे कर सकते हैं, लेकिन आपको डर है अगर कंट्रोल्स का आपका कि कहीं यहाँ पे जो हमारे मिरर के कंट्रोल्स होते हैं कहीं उन पे पानी ना चले जाए, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि हाँ आप अपना एसी से उसको मेंटेन कर सकते हैं। पीछे वाइपर हमारा जो होता है डीफॉगर और पीछे वाइपर होता है आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कार में वो नहीं है तो मैं बेटर सजेस्ट करूंगा कि आप उस पर एक बारी कहीं जाते हैं, वैसे तो मॉनसून में आप हमेशा अपनी कार में एक ऐसा क्लोथ या ऐसा वाइपर सा छोटा सा रखिए जिससे आप उसको बैक वाले को साफ कर दें, और उसको हो सके तो हमेशा अपनी डिग्गी में डाल के रखें ताकि अगर कहीं आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है कि आप उसको क्लीन कर सकते हैं तो एटलीस्ट क्लीन करिए। और जिनके में पीछे वाइपर है तो सेम जो चीज आगे के ब्लेड्स के साथ है वो पीछे भी आप ध्यान रखिए। उसके अलावा फ्रेंड्स टायर बहुत बेसिक चीज होती है, जो टायर ही है हमारी एक कार में जो एक्चुअल में रोड से और आपकी कार के बीच में एक मतलब एक मीडियम बनता है दोनों को जोड़ के रखने का, तो आपकी कार में कितना भी ABS ABD या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल हिल असिस्ट कुछ भी लगाए लेकिन अगर आपके टायर सही नहीं है तो आपकी गाड़ी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगी रोड पे, और खासकर अगर आप जब हाई स्पीड पे होते हैं और कहीं पानी भरा होता है तो कभी कभार टायर और रोड के बीच में पानी की एक लेयर होती है जिसकी वजह से वो अपना फ्रिक्शन खो देती है और ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपकी कार स्किड हो जाए। तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि आपको जो उसमें मार्किंग आती है टायर में बीच में एक मार्किंग होती है, मैं आपको भी वो भी उतर के दिखा दूंगा कार से, उस मार्किंग से नीचे अगर आपका टायर जा रहा है या आपको लगता है मेरे टायर के वियर एंड टेयर इतना हो चुका है वो पुराना हो चुका है, तो मॉनसून एक राइट टाइम आता है उसको चेंज कर सकते हो आप। अगर आपको लगता है आप बहुत हाईवे पे नहीं जा रहे हो आपको बहुत तेज नहीं चलानी है तो आप थोड़े दिन और चला सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो चेंज होने का टाइम आ गया है तो मॉनसून राइट टाइम होता है उन्हें चेंज करा दीजिए। फ्रेंड्स उसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जैसे हमारे वाइपर्स के सामने फ्रंट में लोगों के पेड़ के नीचे खड़ी होती है हमारी गाड़ी और उस पर ऊपर से आके डंडी गिर जाती है या पत्ते गिरे हुए होते हैं, तो यूजुअली क्या होता है कि हम विंडशील्ड साफ करते हैं तो वो कूड़ा हम कभी वहां से नहीं हटाते, तो मैं कहूंगा कि हमेशा उसको खोल के वहां से हटा दीजिए। मैं आपको उतर के दो तीन चीजें सारी अभी दिखा दूंगा। और उसके अलावा फ्रेंड्स बस आप अपनी हमेशा स्पीड मेंटेन रखिए। अब मैं बाहर चलता हूं आपको ये सारे पॉइंट्स दिखाता हूं वहां से ताकि आपको एक अच्छा सा व्यू समझ में आए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था और उससे कितना आपको एफिशिएंट फायदा होगा। सबसे पहले तो ये टायर में मार्किंग होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर में मार्किंग है, तो इससे नीचे अगर आपका टायर जा रहा है तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए कि मेरे को अपना टायर रिप्लेस कराने हैं। आपके में हमेशा ये ग्रिपिंग्स अच्छी होनी चाहिए, ये यही है जो आपको टायर को रोड पे मेंटेन करके रखता है। सेकंड चीज फ्रेंड्स मैं इस जगह के लिए कह रहा था जब हमारा विंडशील्ड से पानी गिरता है तो यहाँ नीचे इस जगह पे मैंने देखा है बहुत लोगों के कचरा जमा हो जाता है, आप अगर इस चीज को देखना चाहते हैं तो आप बोनट खोल के भी देख सकते हैं। ये जगह हमेशा क्लीन रहनी चाहिए, यहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए कि आपके में पानी, देखिए मेरी गाड़ी बंद रहती है साफ रहती है तब भी इसमें अंदर एक पत्ता पहुंचा, तो ये एक तरीका होता है आप हमेशा अपनी गाड़ी को क्लीन करके रखिए। और अपना इसमें जैसे मेरे इसमें वाटर डाला जाता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, तो इसमें हमेशा पानी रखिए कि आपको जरूरत पड़ने में विंडशील्ड अगर चलाना पड़ता है विंडशील्ड वाइपर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेंड्स उसके अलावा जिन गाड़ियों में बैक पीछे वाला भी ये शीशा है इस पे भी मेरे यहाँ पे पानी आता है, मेरे यहाँ से वॉशर से पानी निकलता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके वो नहीं है तो हमेशा अपनी गाड़ी में एक या दो चीज ऐसे रखिए जिससे आप गाड़ी को साफ रख सकते हैं।
फ्रेंड्स ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, आपको अपने वाइपर सही रखने हैं, आपको अपने टायर की कंडीशन सही रखनी है, आपको अपना एसी अच्छा रखना है, हो सके तो एसी का और एयर फिल्टर के फिल्टर क्लीन रखिए, उसके अलावा अपनी बैटरी पे किसी तरीके से अगर आपको लगता है पानी आता है तो उसको कवर करके रखिए, पुरानी गाड़ियों में किसी किसी में कवर नहीं होता बैटरी कवर, उस पर पानी जाने के चांसेस होते हैं, उससे एक स्पार्किंग हो सकती है। ज्यादा जहां पानी भरा है कोशिश करिए वहां जाइए मत, अगर आप बाई चांस ऐसे किसी पानी में एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद एक या दो बारी सडन हल्के से थोड़ा तेज ब्रेक लेके देख लीजिए कि आपके ब्रेक शूज पे पानी इकट्ठा तो नहीं है, फिर अगर कोई इमरजेंसी ब्रेकिंग आएगी तो उस टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि आपकी कार ब्रेक नहीं ले पा रही है। और वैसे मैं ये कहूंगा मॉनसून से पहले अपने ब्रेक पैड चेक करा लीजिए, काफी कंपनीज ऐसी हैं जैसे इवन मैं अपनी फोर्ड की बात करता हूं तो ये लोग मॉनसून सर्विस का एक ऑप्शन देते हैं फ्री में कि आप अपनी कार चेकअप के लिए ला सकते हैं। हमेशा अपने विंडशील्ड पे जो आपका आगे वाइपर के लिए वॉशर होता है अंदर पानी, उसमें पानी भर के रखिए, मतलब सिर्फ इस पे डिपेंडेंट मत रहिए कि सर्विस वाले उसमें पानी डाल देंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स आपको बस बहुत छोटी छोटी ये दो चार चीजें ध्यान रखनी है, लोगों से मेंटेन करके रखना है डिस्टेंस और थोड़ी स्पीड कम रखिए। अब बाई चांस आप किसी ऐसी गली में आ जाते हैं जहां पे आपको लगता है कि आगे बहुत पानी भरा है, आपको आइडिया नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखिए 80% ऐसा होता है कि रोड एक जगह इंक्लाइन होती है तो जो एंगल बन रहा है जिधर पानी ज्यादा है कोशिश करिए उस साइड से गाड़ी कभी मत निकालिए, चाहे आपको लग रहा है आपके आगे वाली गाड़ी स्लो चल रही है तो ऐसा नहीं है कि आपको लेफ्ट से एकदम से ओवरटेक करके निकलना है, ऐसी जगह पे जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, एक बारी गाड़ी में अंदर पानी चले गया तो आपको दिक्कत होगी। हमेशा राइट साइड पे जिधर डिवाइडर होता है उस साइड मोस्टली गाड़ी हमेशा ऊंची साइड पे रहेगी और उधर पानी भी हमेशा कम होगा, तो कोशिश करिए गाड़ी वहां पे चलाइए, तेज मत चलाइए क्योंकि उससे दूसरों पे भी पानी जाएगा, दूसरी गाड़ी वालों को भी दिक्कत आती है और कभी कभी पेडेस्ट्रियन चल रहे होते हैं उन लोगों को भी दिक्कत आती है। हमेशा एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे गाड़ी चलाइए ताकि आपके भी साइलेंसर में पानी ना जा पाए और आप आराम से उस जगह को क्रॉस कर सकें। तो फ्रेंड्स ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो मैं फॉलो करता हूं अपनी कार में, और चाहे मेरी मतलब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाली कार हो चाहे नॉर्मल हो, ये मेरे को दोनों में फायदा देता है, मेरी विंडशील्ड हमेशा ऑलमोस्ट साफ रहती है। तो फ्रेंड्स ये चीज फॉलो करिए और अपना मानसून एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।